राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र की मौत की घटना के बाद देश में दलित उत्पीड़न को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। दरअसल जालौर में इंद्र मेघवाल नाम के छात्र की मौत कथित रूप से टीचर की पिटाई की वजह से हुई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। इसे शेयर करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि ये व्यक्ति दलित समुदाय का है और उसे कथित रूप से ऊंची जाति के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जातिवाद पर सवाल उठाते हुए भी ये वीडियो ट्वीट किया, लेकिन असल में ये वीडियो पुराना है और हाल की किसी घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। साथ ही वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भी गलत है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो को लेकर एक फैक्ट चेक आर्टिकल साल 2020 में पब्लिश किया था। उस वक्त भी ये वीडियो जातिवाद के दावों के साथ शेयर किया जा रहा था। असल में लोगों द्वारा जूते से पानी पिलाने की ये घटना राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर की है। 16 जून 2020 को दैनिक भास्कर ने ये खबर पब्लिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लड़के को गांव की किसी शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग होने की आशंका के चलते मारा पीटा गया था। लड़के को सिरोही से अगवा कर सुपर्णा गांव लाया गया था। आरोपियों ने लड़के की पिटाई की और उसके बाद उसे बोतल से पेशाब पिलाया गया और उसे जूते से पानी भी पिलाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 15 जून को शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। मीडिया से बात करते हुए कोटा के SP राहुल ने ये बयान दिया। ये जो है घटना 11 तारीख की बताई जा रही है। ये व्यक्ति जो विक्टिम है ये शिवगंज सिरोही इलाके का रहने वाला है और अपने सुमेरपुर थाना क्षेत्र में ये अपने मौसा जी के पास रहने के लिए आया था। और मूलतः अभी ये बता रहे हैं कि कोई लड़की जो है वो जो विक्टिम है वो किसी लड़की को से प्यार मोहब्बत करता था और इससे गुस्सा होते हुए ये जो आरोपी पक्ष है वो आए और इसको अपने मौसा जी के घर के वहाँ से जो थाना क्षेत्र सुमेरपुर है वहाँ से इसको लेके गए गाड़ी में बैठा के और फिर ये घटना जो घटित हुई है यूरिन पिलाना और अन्य जो चीज़ें सामने आ रही है ये सारी जो घटना हुई वो सिरोही इलाके में हुई है। हमारे पास जैसे विक्टिम आए और रिपोर्ट दी हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके 8 लोगों का इन्होंने नाम लिखवाया था जिसमें से हमने अभी 6 जनों को राउंड अप कर लिया है जो मुख्य आरोपी हैं इनमें, जिसका यूरिन पिलाना मारपीट करना जो है वो बात आ रही है। इनको हमने अभी दस्तयाब कर लिया है और इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए पाली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि महिला से संबंध होने की आशंका के चलते पीड़ित लड़के को मारा पीटा गया था। इसमें कोई जातिवाद का मामला नहीं है, ये लोग देवासी जाति के हैं, पीड़ित भी उसी जाति का है। यानी साल 2020 में प्रेम प्रसंग की घटना के चलते एक लड़के की पिटाई की गई थी और उसे जूते से पानी पिलाया गया था। इस घटना का वीडियो दोबारा जातिवाद के एंगल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया।